इस बार एमसीडी के चुनाव में वोटर बहुत साइलेंट तरीके से काम कर रहा है, ऐसे में ऑब्जर्वेशन क्या है, ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र नागपाल हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, आप बहुत जगह गए, क्या ऑब्जर्व करते हैं? बीजेपी जीत रही है, लोगों ने जो गलती की है उसे रियलाइज है। आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया, उसका बदला लेने के लिए आज का दिन ही उन्होंने चुना है। और आप देखिएगा, इस विधानसभा के अंदर तीनों के तीनों वार्ड बीजेपी जीतने जा रही है। नंबरों की बात करें तो क्या नंबर हमारे फेवर में? देखो, ये नंबर तो इतना बड़ा मैं घोषणा तो नहीं कर सकता, ना मैं कोई ऐसा जोशी हूँ, लेकिन लोगों का चेहरे की मुस्कुराहट, लोगों का रुख साफ नज़र आ रहा है। आप टेबलों पे भी आप देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है और बड़ी मेहनत की है उन्होंने, क्योंकि हम जो चार चुनाव लड़ते हैं वो कार्यकर्ताओं के बल के ऊपर लड़ते हैं और उनकी मेहनत है और हमारे निगम पार्षद के काम है और मैंने अपने टाइम पे जो काम किए थे। आज जब हम लोगों के पास जा रहे हैं, आपके यारों माफ़ करना मैं नशे में था ये वाला गाना नहीं दोहराएंगे, हम छाती ठोक कर वोट मांगने के लिए आए हैं और वोट हमें लोग देंगे। उन्होंने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं, हम मन बना चुके हैं, हमसे जो पहले गलती है वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। आखिरी सवाल कि बीजेपी एमसीडी में सरकार बनाने जा रही है? बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी, 3 बार पहले बनी है, 4थी बार फिर बनेगी। और आपको एक और बता दूं, 2024 में भी मोदी जी की सरकार दोबारा बनेगी, क्योंकि लोग जो वोट दे रहे हैं हमारे कामों को तो दे ही रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस को दे रहे हैं। दूसरा, मोदी जी ने जो घर घर के अंदर जो काम किया है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, गरीब लोगों के लिए उनको राशन दिया है, कोविड काल के अंदर जो 200 करोड़ लोगों की वैक्सीन बन जाना और उसे लगा देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आज उनकी बातों पर विश्वास है, क्योंकि ये जो वोट दिया जा रहा है उसके लिए सबसे बड़ा काम है, जो सीधा वोट मोदी जी के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि उनके जो कार्यशैली है उससे लोग बहुत प्रभावित हैं। सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये जो निगम का जो चुनाव होता है वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, कैंडिडेट का व्यवहार कैसा है, कैंडिडेट काम करने वाला है, सुख दुख का साथी है या नहीं है। तो ये इजी उपलब्धि जो है हमारे योगेश वर्मा जी की रही है और मैं समझ सकता हूँ कि आज का ये जो चुनाव है एक बहुत बड़ा इतिहास लिखने जा रहा है। और यह आप 5 बजे के बाद देखोगे, आपको इनको जो सब जो बैठे हैं इस समय, पहले भी चेहरे उतरे हुए हैं और बाद में ये नजर ही नहीं आएंगे। तो एक बार डॉक्टर महेंद्र नागपाल ने फिर साफ कर दिया कि मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है, उसका जादू गुजरात में भी चलेगा, हिमाचल में भी चलेगा और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा। अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज़ ब्यूरो।